वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ओल्ड नेटवर्क को कन्वर्ट करेंगे डिज़ाइनर बेबी सूट में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें नीचे वाले बॉर्डर से 13 इंचेस पे एक मार्क करना है अपर साइड में। यहाँ पे हम मार्क करेंगे और हमें लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, और हमें इसे कट कर लेना है और इस तरीके से सेकंड पार्ट को भी हमें कट करना है। इसके ऊपर हमें सीधा रखना है और एज इट इज़ मार्क करने के बाद हमें इसे भी कट कर लेना है। दोनों लेग पार्ट को हमने कट कर लिए हैं इस तरीके से। जॉइनिंग से हमें इसे कट कर लेना है और इसे हमें ओपन कर लेना है। दोनों पार्ट्स को हम यहाँ से जॉइनिंग है वहाँ से हमें कट करना है और दोनों पार्ट्स को हमें ओपन कर लेना है इस तरीके से। सेकंड पार्ट को भी हम कट करेंगे जॉइनिंग से और हमें ओपन करना है। तो टॉप पार्ट के लिए हमने दो पीसेस कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। दोनों को साथ में अरेंज करना है और हम टू फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और हमें मार्किंग करनी है। तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 13 इंचेस और यहाँ से हमें लाइन को एक्सटेंड करना है। और नेक के ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 1 इंच और 2 इंचेस फ्रंट और बैक के लिए। राउंड शेप बनाना है हमें फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए कट करेंगे इस तरीके से, और हमें इसे ओपन करना है और यहाँ पे बैक का पार्ट अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से हमें टू फोल्ड करना है। और यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए हमें नेक कट करना है। तो इस तरीके से हमें दो पीसेस मिल गए हैं, एक को राइट रखना है और दूसरा इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे, और दोनों शोल्डर में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने दोनों शोल्डर एडजस्ट कर लिए हैं और नेक पार्ट को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है 1 बाय 1, और हमें सिलाई करनी है। और इस तरीके से आर्म होल को भी हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमने आर्म होल और नेक पार्ट को हमने रेडी कर लिया है इस तरीके से फ्रंट और बैक में, और दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो अच्छे से मिलाने के बाद दोनों साइड से 1 इंच की डिस्टेंस पे हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने दोनों साइड से 1 इंच की गैप पे सिलाई करते हुए टॉप को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। ये हमारा टॉप रेडी हो गया है, और बॉटम के पार्ट के लिए हमें यहाँ पे लेफ्ट ओवर को अरेंज करना है। इसकी लेंथ है 13 इंचेस। यहाँ पे ओपनर के मदद से हमें अपर ऑर्डर को ओपन कर लेना है। इलास्टिक को हमें ओपन करना है, तो इस तरीके से पूरे थ्रेड को हमें ओपन कर लेना है पूरे राउंड में। ये देखिए, हमने इस तरीके से यहाँ से इलास्टिक को हटा लिया है, और सेंटर से हम इसे कट करेंगे और दो पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। बॉटम पार्ट के लिए हमने दो पीसेस कट कर लिए हैं, और यहाँ से कट करते हुए इसे हमें ओपन कर लेना है। एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है और दूसरा पार्ट भी हमें रेडी करना है इस तरीके से। यहाँ से कट करते हुए इसे हमें ओपन कर लेना है। दोनों को साथ में हमें इस तरीके से अरेंज करना है, और अच्छे से मिलाने के बाद हमें टू फोल्ड करना है और यहाँ पर स्ट्रेट हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करना है। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, तो अपर बॉर्डर से 6 इंचेस डाउन पे हमें मार्क करना है, और यहाँ से 2 इंचेस पे हम मार्क करेंगे और हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमें इसे कट कर लेना है।
तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और दोनों पार्ट को हमें ओपन करना है और एक के ऊपर दूसरा हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें राउंड शेप में सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली और यहाँ पे लेफ्ट ओवर पर्पल फैब्रिक से हमें स्ट्रिप्स कट करनी है बॉटम पार्ट को डेकोरेट करने के लिए। 3 इंचेस लेंथ की हमें स्ट्रिप्स कट करनी है इस तरीके से। वन बाय वन हम कट करेंगे और इसके ऊपर हमें सीधा रखना है और इसे एज इट इज़ हमें कट कर लेना है। जिसे हमें रफल बनानी है इसलिए और तीनों स्ट्रिप्स को हमें अटैच कर लेना है इस तरीके से वन बाय वन। ये देखिए हमने स्ट्रिप्स अटैच कर ली है और इस पूरे स्ट्रिप्स में हमें रफल बनानी है। तो एक बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है सबसे पहले। ये देखिए हमने एक बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और एक बॉर्डर पर हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है पूरे स्ट्रिप्स में और यहाँ पे एक धागे को अलग करके हल्के हाथ से खींचते हुए पूरे लेंथ में हमें गैदरिंग करना है पूरे स्ट्रिप्स में। ये देखिए हमने रफल यहाँ पे बना ली है और इसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से। यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ पे नीचे वाले बॉर्डर पे हमें इसे उल्टा रखना है इस तरीके से और हमें सिलाई करनी है और बॉटम पार्ट की नीचे वाले बॉर्डर को हमें डेकोरेट कर लेना है। ये देखिए हमने रफल अटैच कर ली है और इसे हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है और इसके बाद फिर से हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे इसकी फिटिंग के लिए इनर फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और इसे हमने फिटिंग कर लिया है और वापस हमें इस राइट साइड पर टर्न करना है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ पे हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो यहाँ पे अप्रोक्स हमें इलास्टिक कट कर लेनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यहाँ पे हमें अंदर के साइड में इसे पूरे राउंड को मिलाते जाना है और हमें सिलाई करनी है ऊपर से। ये देखिए हमने इलास्टिक अटैच कर ली है इस तरीके से। तो इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर बेबी नाइट ड्रेस बिल्कुल रेडी है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी नाइट ड्रेस। दोस्तों अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही उस बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।